टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर ट्वेल्वेंट पर हम प्रेजेंट पर होता है कहाँ पर यूज होता है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है ठीक है इससे पहले वाले पीरियड में हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा था जिसमें हमने बताया था इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है एंड मैन वर्ब जो होती है उसका कौन सा फॉर्म आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है मीन्स आई एन जी फॉर्म आता है ठीक है ये हम पढ़ चुके थे अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शंस विच एक्चुअली हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट बट एक्सप्लेन और अफेक्ट द प्रेजेंट इन अदर वर्ड्स इट डील्स विद द थिंग्स दैट हैव है इन द पास्ट बट स्टिल हैव एन इफेक्ट एट प्रेजेंट टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हेल्प एंड हैज एज हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका यूज़ उस एक्शन को या उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में हो चुका है ठीक है एंड उसका जो इफेक्ट है या उसको जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो प्रेजेंट में किया जा रहा है ठीक है अदर वर्ड्स में देखें तो ये उन थिंग्स के साथ डील करता है जो पास्ट में हो चुकी है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर पड़ता है ठीक है अभी भी उसका इफेक्ट है है ना प्रेजेंट में भी जैसे आ, मैंने बोला जैसे आ, मैं लिख चुकी हूँ या मैं पढ़ चुकी हूँ है ना मैं काम कर चुकी हूँ इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ठीक है जो कंप्लीट हो चुका है जो वर्क है ना तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ठीक है जैसे आप क्लास में बोलते हो मैम आई हैव रिटर्न बोलते हो ना कि मैम हम लिख चुके हैं देन वो कौन सा टेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ की जाती है हैव एंड हैज ठीक है है ये दो याद रखना जो कौन से टेंस में होती है? Present perfect टेंस में होती हाउस मींस हम इस घर में रह चुके हैं ठीक है आई अपना काम फिनिश कर चुका हूँ या मैं अभी अपना काम फिनिश कर चुका हूँ ठीक है इस वी यूज हैव एंड हैज विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द प्रजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बताया था वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है, है ना जैसे मैंने एक वर्ब ले ली गो गो मींस क्या होता है जाना है ना मैंने एक वर्ब ली गो गो का जो सेकेंड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे या फास्ट फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे वेंट है न अगर मैं बोलती हूँ उसका पास्ट uh, पार्टिसिपल मतलब एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना पास्ट पार्टिसिपल कौन से फॉर्म में आ जाते हैं थर्ड फॉर्म में तो गो वेंट सेकेंड फॉर्म हुआ एंड थर्ड फॉर्म कौन सा हुआ उसका गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म कौन सा होता है गॉन है ना गॉन मीन्स जा चुका ठीक है एंड उसके आगे मैं बोलती हूँ तो कौन सा फॉर्म आ जाता है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है जिसमें आईएनजी लग जाता है गो का क्या हो जाता है गोइंग हो जाता है इस टाइप से वर्ब के फोर फॉर्म होते हैं ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या है गो सेकंड फॉर्म होता है वैंड थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन एंड फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है गोइंग है ना तो पास्ट पार्टिसिपल जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो हम हैव एंड हैज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है पास्ट पार्टिसिपल स कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं उस समय पर ठीक है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब यूजली एंड इन ई डी जस्ट लाइक द सिंपल पास टेंस पास्ट पार्टिसिपल जो होता है रेगुलर वर्ब का या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है ठीक है उसमें वर्ब किस पर एंड होती है ईडी मतलब वर्ब में लास्ट में क्या लगा रहता है ईडी जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में भी ईडी लगा होता है है ना जैसे मैंने बोला वर्क ठीक है तो हम जब उसका सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे तो वर्कड हो जाएगा है ना और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है वर्कड होता है तो जनरली हम लोग देखते हैं तो वर्ब में लास्ट में ईडी लगा रहता है ठीक है जैसे हैव प्लस लैंड है ना लैंड में क्या लगा दिया ईडी लैंडेड तो ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया ठीक है ओपन है ना तो ओपन में क्या लगा ई डी तो ये पास पार्टिसिपल बन गया है ना वी यूज हैव विथ आई वी दे एंड प्लूरल नाउंस एंड हैज विथ ही शी इट एंड सिंगुलर नाउंस हम लोग क्या करते हैं हैव का यूज किसके साथ करते हैं प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल नाउन एंड आई वी दे के साथ ठीक है ये कौन कौन से प्रो आई वी दे एंड प्लुरल फॉर्म नाउन्स ठीक है इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है कौन सी हेल्पिंग वॉब हैव एंड हैज किस किसके साथ आती है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ ठीक है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका यूज उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो जस्ट कम्प्लीट हुई है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ ठीक तो है तो अभी क्या है बता दिया है, है ना तो जो वर्क अभी कंप्लीट हुआ है उसको आ, इन, बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट एक्शंस वेयर द टाइम इज नॉट डेफिनेट हाँ डेफिनेट है ना और उसके साथ साथ और कब यूज़ किया जाता है उस पास्ट एक्शंस को या पास्ट के काम को शो करने के लिए या बताने के लिए किया जाता है स्टेंस का यूज़ जहाँ पर टाइम डेफिनेट नहीं है कोई निश्चित समय नहीं दिया हो फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन दिस बिफोर मतलब मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ कब देख चुका हूँ या कब देख चुकी हूँ कोई टाइम मेंशन नहीं है यहाँ पर कोई डेफिनेट टाइम नहीं देके रखा है ठीक है तब भी हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं ठीक है थीके? इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे थैंक यू